बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेबर कॉस्टिंग से रेलिवेंट, जो कि हमारे पास है लर्निंग कर्व थ्योरी। लर्निंग इफेक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, इसमें बेसिकली हम लोगों ने पढ़ना क्या है कि जब हमारे पास कोई भी न्यू टास्क आता है ना, तो उसको करने में हमें काफी सारा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर जैसे जैसे वही टास्क हम लोगों ने रिपीट करना हो, तो फर्स्ट टाइम हमें जितना टाइम लगा हुआ होता है ना, सेकंड टाइम उसी चीज को परफॉर्म करने में हमें उतना टाइम नहीं लगता। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि किसी भी न्यू चैप्टर से रेलिवेंट मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, और मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो, तो हो सकता है आपको 30 मिनट्स लग जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, चीजें अंडरस्टैंड करनी थी, उनके प्रोसेस आपने देखने थे। लेकिन अगर वही क्वेश्चन मैं आप लोगों से दोबारा कहूं, 2-3 दिन के बाद मैं फिर से कहूं कि मुझे यही क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके दो, क्या अभी भी आपको 30 मिनट्स लगने हैं? नहीं, मे भी आपको 20 मिनट्स लग रहे हो। लेकिन जब वही क्वेश्चन मैं आपसे थर्ड टाइम कहूंगा, तो अब आपको पता है कि इस काम को करना कैसे है, अब आप उसको और कम टाइम में जाके करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज वही क्वेश्चन मैं आपसे 10th टाइम कहूं कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दो, और आप कहो हो गया, ऐसा होगा कि आप लोग कहो कि नहीं, 0 टाइम ड्यूरेशन में मेरा एक और टास्क कंप्लीट हो रहा है, कैसा है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक कॉन्स्टेंट टाइम है जो कि हर हाल में लगना है, चाहे आप जितने भी एक्सपर्ट क्यों ना बन जाएं। वो 10 मिनट्स भी हो सकते हैं, वो 15 मिनट्स भी हो सकते हैं, मतलब आपको इतना टाइम तो मिनिमम रिक्वायर्ड है इस काम के करने के लिए। इससे नीचे फिर आप चाहे जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाओ, इससे नीचे नहीं आ सकते। तो लर्निंग इफेक्ट भी ना कुछ इसी तरह का है कि आप जब फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, तो आपको मैक्सिमम टाइम लगता है, लेकिन जब सेम प्रोसीजर्स के तहत आप मल्टीपल यूनिट प्रोड्यूस करते हो, तो हर एडिशनल यूनिट के ऊपर आपको कम टाइम लगता है। पहले यूनिट की निस्बत सेकेंड यूनिट के ऊपर आपको कम टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब ये आते हैं स्किल्स के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपने इस काम को आगे लेके चलना है। अब ये किस तरह से कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपके पास एक टास्क था, तो उसके ऊपर ना आपको टोटल 1 घंटा लगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट्स लगे आप लोगों को उस टास्क को कंप्लीट करने में। लेकिन जब सेकंड टाइम आप उस टास्क को कंप्लीट करने लगे हैं ना, तो आपने इस पर ना लर्निंग इफेक्ट देखना है। अब लर्निंग इफेक्ट जो परसेंटेज मेरे लिए होगी ना, जरूरी नहीं है कि वो लर्निंग इफेक्ट परसेंटेज आपके लिए भी हो, और ये परसेंट टू परसेंट, एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज वेरी करती है। तो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि आपके एम्प्लॉयज का लर्निंग इफेक्ट रेट कितना है। वो 90% हो सकता है, वो 80% हो सकता है, वो 70%, जो भी होगा आपको बता देगा। सपोज अगर वो आपसे ये कह दे कि जो हमारे पास लर्निंग इफेक्ट रेट है, लर्निंग इफेक्ट रेट इज 80%, अब इस 80% से क्या मुराद है? मतलब ये कि जितना टाइम उसने पहले लगाया, उस टाइम का 80% उसने अब जाके लगाना है। ओके? उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी, उसने उस टोटल टाइम का 80% अब लगाएगा। तो अगर फर्स्ट टाइम में उसने 60 मिनट लगाए, तो नेक्स्ट टाइम 60 का 80%, तो नेक्स्ट टाइम अगर उसने सेम यूनिट्स बनाने हो, तो वो कितने मिनट्स में इसको जाके कंप्लीट करेगा? 48 मिनट्स में। अच्छा, जब थर्ड टाइम सेम काम करने लगेगा, तब दोबारा से 60 का 80 नहीं लेना, 48 का 80% लेना है। तो 48 का 80% लो, 38.4 मिनट्स लगेंगे। फिर 38 का 4% लो, तो 38.4 का 80% लो जी, 30.72 मिनट्स उसको लगेंगे इस काम को परफॉर्म करने के लिए। बात क्लियर? अब देखिए, जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते जाएं,
तब आप लोग देखें तो टाइम आपके पास रिड्यूस होता जा रहा है, लेकिन ये जो रिड्यूस हो रहा है ना, ये कांस्टेंट अमाउंट के साथ नहीं हो रहा, मतलब कांस्टेंट मिनट्स के साथ नहीं हो रहा। आप लोग गौर करें तो फर्स्ट से सेकंड पर आने के लिए 12 मिनट्स का डिक्रीज है, लेकिन सेकंड से थर्ड पर आने के लिए 12 नहीं है, ये आपके पास 9.6 बन रहा है, 9.6 का डिक्रीज है। जब आप यहां से यहां पर आए तब एक डिफरेंट अमाउंट का डिक्रीज है, तो अमाउंट के हवाले से इक्वल नहीं होता, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये सेम होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज इसका सेम रहता है, ये कांस्टेंट रेट के साथ डिक्रीज होता है। मतलब जब ये डिक्रीज हो रहा है ना, 60 से 80 पर आया तो इसने 20% का डिक्रीज किया, 48 से 38.4 पे आया तब भी उसने 20% का ही डिक्रीज किया, जब 38 से 30.7 ऊपर आया तब भी 20% ही था, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट रहता है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो कांस्टेंट नहीं है लेकिन है डिक्रीजिंग ट्रेंड में। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद लर्निंग इफेक्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद लर्निंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम सेम टाइम चलता रहेगा, फिर उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए इसका जो ग्राफ बनाया जाता है ना, तो वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में स्ट्रेट लाइन हम नहीं बना सकते, इसमें अगर आप लोग देखें तो रेट ऑफ चेंज है, तो इसका जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं ना, तो वो इस तरह जरा एक कर्व की शेप में आता है, और एक टाइम आने पर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद हैं, कि फिर चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स बना लो, इस टाइम में कोई फर्क नहीं आने वाला। क्या यहां तक की बात समझ आ गई है सब बच्चों को? अच्छा, अब चलते हैं अपनी जरा स्टडी टेक्स्ट की तरफ। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एक्वायर स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटी व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इज स्टार्टेड, द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स इज रिलेटिवली लो सिंस द जॉब हैज जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड, बट इट इफ इट इज फेयरली रेपिटेटिव इन नेचर देन द लर्निंग फिनोमिना टेक्स प्लेस, व्हेन द एक्सपीरियंस इज गेन्ड द वर्कर इज लाइकली टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजेबल अबाउट द टास्क, दस द परफॉर्मेंस इंप्रूव विच इन टर्न रिड्यूस द टाइम टेकन पर यूनिट एंड इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी। अब देखें, पहले मैं अगर 1 घंटे में 1 यूनिट जाकर बना रहा था, तो मैं एक स्टेज ऐसी पे भी पहुंच गया था कि मैं आधे घंटे में 1 यूनिट बना रहा हूं, तो सेम उसी 1 घंटे के अंदर 2 यूनिट नहीं बन रहे, तो पर यूनिट टाइम डिक्रीज हो जाएगा और टोटल प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक की बात आई होप के क्लियर है सब बच्चों को, कोई डाउट? द इफेक्ट दैट लर्निंग कॉस्ट ऑन एम्प्लॉयज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन कॉल्ड अ लर्निंग कर्व, इट डिस्प्लेज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट एंड द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। लर्निंग कर्व हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन डायरेक्ट लेबर वेजेस। इवेंचुअली व्हेन द वर्कर्स हैज हैड एनफ एक्सपीरियंस एंड नथिंग मोर इज लेफ्ट फॉर हिम टू लर्न, देन द लर्निंग प्रोसेस स्टॉप्स, द लर्निंग वुड स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन टाइम लिमिट एंड बियॉन्ड स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। अब हर चीज की ना कुछ अजम्पशंस होती हैं, तो इस लर्निंग इफेक्ट को समझने के लिए हम लोगों ने कुछ अजम्पशन ली, जिनमें हमारे पास है अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ गिवन टास्क विल डिक्रीज एवरी टाइम द टास्क इज अंडरटेकन, कि जितनी मरतबा हम इस टास्क को बार बार करेंगे तो हमारी अजम्पशन है कि इस टाइम में डिक्रीज आएगा। फिर देखें, द यूनिट टाइम विल डिक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, जैसे अभी लर्निंग इफेक्ट मैंने आपसे कहा था 20% के साथ डिक्रीज हो रहा है, लर्निंग इफेक्ट अगर 80% था तो टाइम डिक्रीज हो रहा था 20% के साथ, अगर लर्निंग इफेक्ट 90% हो तो टाइम डिक्रीज होगा 10% के साथ, द टाइम रिडक्शन विल हैव अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। अब इस पैटर्न वगैरह का भी हमें पता होता है कि उसने किस पैटर्न के मुताबिक चलना है। अब देखिए, लर्निंग कर्व थ्योरी, लर्निंग कर्व थ्योरी रेफर्स टू द फिनोमिना दैट द क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम रिक्वायर्ड पर
यूनिट, मतलब टोटल टाइम आप लोग देख लिया करें उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लें, तो आपके पास क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट विल डिक्रीज बाय अ कॉन्स्टेंट परसेंटेज, जो बात अभी मैंने आप लोगों के साथ की थी, एवरी टाइम टोटल आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट डबल्स, डबलिंग ऑफ आउटपुट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेजरमेंट डिटर्मिनिंग द लर्निंग इफेक्ट। अब इसमें आपने क्या करना है कि आप एक यूनिट से दो यूनिट पर जाएंगे, दो से तीन पर नहीं जाओगे, दो से चार पर जाओगे, चार से आठ पर जाओगे। ये ऐसा ही है जैसे बिल्कुल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा था, 1, 2, 4, 8, 16, इस तरह से आप लोगों ने देखना है। आपने 1, 2, 3, 4, 5 मैथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं देखना, क्योंकि जो चेंज है ना वो कांस्टेंट अमाउंट का नहीं है, कांस्टेंट रेट के साथ है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो किया जाता है इधर। फिर देखें, इन अदर वर्ड लर्निंग इफेक्ट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सच एज 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 4 यूनिट एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक 80% लर्निंग इफेक्ट, द क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट इज रिड्यूस्ड टू 80% ऑफ द प्रीवियस क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम व्हेन द आउटपुट इज डबल। नोट दैट द क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम इज द एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड टिल नाउ इंक्लूसिव ऑफ द फर्स्ट यूनिट मेड, मतलब आपने पहले यूनिट से आखिरी यूनिट तक का वो क्यूमुलेटिव टाइम देखना है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इफेक्ट, इसको तो जस्ट एक मतलब आपने रीड कर लेना, कोई इतना खास नहीं है। देखते हैं इसके मेथड्स, दो किस्म के मेथड्स हैं हमारे पास, एक मेथड है टेबुलर मेथड और दूसरा मेथड है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड। टेबुलर मेथड हमारे पास क्या है आपको बता देगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको पहले ये बताएगा कि फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट रिक्वायर्स, ये बात बताई जाएगी कि पहला यूनिट बनाने में आपको कितना टाइम लगता है, इसके बारे में बताएगा। फिर आपसे कहेगा कि भाई लर्निंग इफेक्ट कितना है, 70% लर्निंग इफेक्ट, देन डिटरमिन्स द प्रोडक्शन टाइम फॉर। अब इसमें से कोई ना कोई चीज आपसे पूछ लेगा, और वो क्या हो सकती है, टोटल प्रोडक्शन पूछ सकते हैं आपसे, इंक्रीमेंटल टोटल ऑर्ज पूछ सकता है, और इंक्रीमेंटल ऑर्ज पर यूनिट। अब हमने ना इसको सबसे पहले जाके सॉल्व करना है टेबल के जरिए। इसमें अगर आप लोग गौर करें तो उसने हमसे कह दिया था कि जो आप लोगों ने प्रोडक्शन लेनी है ना वो डबल कर देनी है एज कंपेयर टू प्रीवियस, तो पहली प्रोडक्शन एक यूनिट ही होनी है, 1, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 पर चले जाएंगे, तो एक यूनिट बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, 100 आवर्स, एक यूनिट बनाने में आपको 100 आवर्स लगनी है। इस पर 70% लेकर आओ तो 100 का 70% 70 आवर्स, फिर 70 का 70% 49 आवर्स, 49 का 70% 34.3। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आपने मुझे 60, 48 और समथिंग ये लिखवाया था। यहां तक आपको बात समझ आ गई? अच्छा, ये अगर आप लोग देखें कैमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, भाई ये जो 34.3 है ये 8 यूनिट बनाने का टाइम नहीं है, ये 1 यूनिट बनाने का टाइम है, अगर आप लोग 8 यूनिट बना रहे हो तो। ओके, तो आपको 8 यूनिट अगर बना रहे हो तो ऑन एवरेज आपके पास जो टोटल टाइम पर यूनिट आएगा वो कितना आएगा, 34.3। तो आप देखें तो 8 यूनिट बनाने में टोटल टाइम कितना लग जाएगा, भाई मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लो। देखो पहला यूनिट बनाने में आपको 100 आवर्स ही लगेंगे, लेकिन जब आप लोग जाते हो ना सेकेंड 2 यूनिट्स बनाने की तरफ, तो आपके पास ना 70% का लर्निंग इफेक्ट है, एक यूनिट बनाने पे आपको लगेंगे 70 आवर्स, तो 2 यूनिट बनाने पे 140। जब आप लोग 4 यूनिट्स की तरफ जाते हो तो फिर पर यूनिट आवर्स आपको लगेंगे 49, तो 4 यूनिट्स बनाने में टोटल टाइम कितना लग जाना है, 196। इसी तरह 34 पर यूनिट है तो 8 यूनिट बनाने में टोटल टाइम 274.4। ओके ओके, अच्छा जी आपने टोटल टाइम फाइंड कर लिया, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इंक्रीमेंटल टाइम। इंक्रीमेंटल टाइम क्या होता है कि एक्स्ट्रा टाइम मुझे कितना लगेगा। अब देखें
वैसे मैं 100 घंटे काम कर रहा था, लेकिन जब 2 यूनिट बनाने के लिए गया तो मैं टोटल कितने घंटे काम कर रहा हूं, 140। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा कितना टाइम काम किया, लेकिन ये कब किया, जब मुझे 2 यूनिट्स बनाने पड़े। तो मैंने इंक्रीमेंटल टाइम, इजाफी टाइम कितना लगाया, 40 आवर्स मैंने लगाए, लेकिन अब मैंने 2 यूनिट बना लिए। बात समझ तो नहीं आई ना, क्लियर? लेकिन जब मैं यहां से 140 से 90 196 पे गया, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना, 56, ये इंक्रीमेंटल टाइम है। फिर यहां से देखें इन दोनों का डिफरेंस है 78.5, ये इंक्रीमेंटल टाइम है। लेकिन अगर आपसे पूछे इंक्रीमेंटल टाइम फ्रॉम यूनिट 4 टू 8, तो फिर तो मैं आपसे बताऊंगा 274 पॉइंट, बताऊंगा 78.4 का। क्या अगर मुझसे पूछे इंक्रीमेंटल टाइम फ्रॉम यूनिट 4 टू 8, तो मैंने उसे क्या जाके बताना है, इंक्रीमेंटल टाइम 78.4, क्लियर? लेकिन अगर पर यूनिट के हिसाब से पूछे तो फिर अब देखें, ये जो मैंने एक्स्ट्रा 40 आवर्स लगाए, इस एक्स्ट्रा 40 आवर्स में मैंने नंबर ऑफ यूनिट कितने बनाए, एक्स्ट्रा कितने बनाए, एक तो वैसे ही बनाना था ना, 1 से 2 पर आया, तो इंक्रीमेंटल यूनिट देखो ना, इंक्रीमेंटल यूनिट एक ही बना, और वो 40 के 40 आवर्स ना एक ही यूनिट के ऊपर लग गए, राइट? राइट। अच्छा जब 2 से 4 पर आया तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा मुझे, लेकिन उस टाइम में मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए, दो एक्स्ट्रा यूनिट्स आ गए, मतलब इन यूनिट्स का डिफरेंस, तो इसके लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा यूनिट बनाए, तो वो उन 56 एडिशनल इंक्रीमेंटल टाइम के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने, तो पर यूनिट मेरे पास इंक्रीमेंटल टाइम कितना आया, 28 का। बात क्लियर? इसी तरह जब इधर पहुंचे 274.4 इन टोटल 8 यूनिट्स के लिए, इसमें इंक्रीमेंटल कितना है, 78.4, लेकिन इसमें इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, को डिवाइडेड बाय 4 किया, तो पर यूनिट इंक्रीमेंटल टाइम 19.6। द टैबुलेशन मेथड समझ आ गया है? वैसे ये सबसे ज्यादा इजी मेथड है। क्या आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, प्रोडक्शन को ना डबल करते जाना, 1 2 4 8 16, और बहुत ज्यादा जानने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके बाद इसने कॉन्स्टेंट हो जाना है, तो आपको तकरीबन वो बता देगा कि कहाँ पे जाके आपकी ये जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट हो रही है, वो आपको बता देगा। उसके बाद आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट के लिए टाइम लिखना है, उसके ऊपर लर्निंग इफेक्ट अप्लाई करते जाना, तो बाकी तमाम यूनिट्स के लिए आपके पास टाइम आ जाएगा। ये जो टाइम आपके पास आता है ना, ये बेसिकली पर यूनिट होता है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देना, तो टोटल टाइम आपके पास आ जाएगा। उस टोटल टाइम का डिफरेंस लेते जाओ तो इंक्रीमेंटल टाइम है, और नंबर ऑफ यूनिट्स का डिफरेंस लेते जाओ तो इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो इंक्रीमेंटल टाइम डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू टाइम पर, इंक्रीमेंटल टाइम पर यूनिट। तो ये थी टैबुलेशन, कोई डाउट? दूसरा मेथड है हमारे पास फार्मूला। सबसे पहले तो अपने इस फार्मूले को ठीक कर लो, ax रेज टू पावर बी, ए एक्स रेज टू पावर बी बंद करना है। अच्छा अब देखें इसमें ए एक्स बी और वाई से क्या मुराद है, अब उसके लिए उसने आपको बता दिया। सबसे पहले वो कहता है वाई, वाई से मुराद है कैमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट प्रोड्यूस एक्स, कैमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट्स टू प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर ए से मुराद है द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ द आउटपुट, जैसे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए से मुराद फर्स्ट टर्म, तो यहां पर भी फर्स्ट यूनिट के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। फिर एक्स से क्या मुराद है, कैमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या आप लोगों ने प्रोड्यूस कितने नंबर ऑफ यूनिट करने हैं, 1 2 4 8 16 कितने हैं, तो एक्स की जगह पर वो वैल्यू आ जाएगी। और बी से मुराद, बहुत मतवाना आपको ये लर्निंग कर्व फैक्टर इसको कहा जाता है, बी से मुराद लर्निंग कर्व फैक्टर,
बात ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको बता देता है कि 80% के लिए लर्निंग कर्व फैक्टर की वैल्यू ये है, 85 के लिए, 90 के लिए, 95 के लिए, क्वेश्चन में बता देता है। लेकिन कभी कभी ना बताए तो हमें पता हो कि इसको फाइंड कैसे करना है। तो कोई भी चाहे लर्निंग फैक्टर रेट क्यों ना हो, आप लोगों ने करना है लॉग ऑफ एल आर। एल आर स्टैंड फॉर लर्निंग कर्व रेट, ओके, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ टू, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ऊपर हम लोग लर्निंग इफेक्ट कितना ले रहे थे, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में 70% था ना, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑन की हम लोग लेंगे लॉग ऑफ 70, तो ये आ जाएगा 0.7। 70% था ना, तो परसेंट को कन्वर्ट करें तो 0.7 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ टू, आंसर इज -0.51। ये लर्निंग कर्व फैक्टर आ गया, बाजू को तो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। ओके, ये है आपके पास बी की वैल्यू। एंड एल आर स्टैंड फॉर लर्निंग रेट एज अ मतलब परसेंटेज में नहीं, एज अ डेसिमल आपने इसको लेना है। तो यहां पर उसने भी कैलकुलेट, अब उसने 90% के लिए किया कि 90% के लिए क्या होगा, तो जहां पे मैंने 0.7 लिखा है वहां पे मैं क्या लिख दूं, 0.9, तो ये आंसर -0.152 ये आ गया। ओके ओके, चले अब इसी तरह से हम जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो उसने आपसे कहा चले इसको ना जरा इधर अप्लाई करें, इस क्वेश्चन के ऊपर ए से मुराद है 100, एक्स से मुराद हम लोग ले लेते हैं 8, ओके, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 70% के लिए, अभी हम लोगों ने यहां पे देखा था -0.515 कर लेते हैं, 515 -0.515 100 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू पावर -0.515 एंड आंसर इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.515। आंसर कितना है, 34.26 या 27, मतलब अगर 1 डेसिमल में आ जाए तो 3। तो इस चीज के बारे में फार्मूले ने बताया। ओके देखो ये क्या चीज थी, पर यूनिट क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम, तो इसके बारे में आपको फार्मूले ने बताया। बाकी सारी चीजें आप इससे कैलकुलेट कर लोगे। अब देखो पर यूनिट अगर आपको लगते हैं 34.3 मिनट्स या आवर्स, तो 8 यूनिट, मैं टोटल 8 यूनिट्स बना रहा था, तो 8 यूनिट्स के लिए कितने, इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, टोटल का पता चल जाएगा। कोई इशू, कोई इशू। अच्छा सुपोज अब अगर आपसे ये कह दे कि भाई इसके ऊपर इंक्रीमेंटल टाइम कितना है, तो आप लोगों ने इससे पहले 8 से पहले इसका देखना है कौन से वाले, तो 4 के लिए, अब यहां पर जहां पे 8 था वहां पे 4 कर लो, तो आपको फिर ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसके मुताबिक आप जहां तक पहुंच जाओगे इंक्रीमेंटल टाइम डिवाइडेड बाय 4, 19.6 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, क्लियर? अच्छा क्लियर। अच्छा अब देखें इसको हम लोग अप्लाई किया करेंगे इस किस्म के क्वेश्चन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आया है, ये एडजस्टमेंट्स आपको मिलेंगी जब आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स में जाओगे। अब आपसे क्या कहता है, कहते हैं कैलकुलेट लेबर टाइम टू प्रोड्यूस। अब ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक्स की वैल्यू 50, हाँ लेकिन अभी जरा गौर से सुनना क्या क्या आपसे क्या कहता है। कहता है अज्यूमिंग लर्निंग रेट ऑफ, तो चलो पहले 80% के लिए बी की वैल्यू तो बताओ, लर्निंग कर्व फैक्टर तो बताओ ना 80% के लिए। अच्छा तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्या आपके कैलकुलेटर पर ये वैल्यू शो हो गई है? अच्छा फिर देखिएगा जरा, वो कहता है विल कंटिन्यू टिल फर्स्ट, अब ये जो लर्निंग इफेक्ट है ये 50 यूनिट तक नहीं जा रहा, हम एक्स की वैल्यू 50 नहीं दे सकता। एक्स की वैल्यू आपने वो लेनी है जहां तक लर्निंग इफेक्ट जा रहा है, तो लर्निंग इफेक्ट कहां तक जा रहा है, तो आपने एक्स की जगह पे 30 जाके पुट कर देना है। बात क्लियर?
अच्छा फिर सुनो, कितने टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट इज, ये आपको यहां पर मिल गई ए की वैल्यू, ये आपको मिल गई एक्स की वैल्यू, यहां से आप फाइंड करोगे बी की वैल्यू विच इज इक्वल टू -0.3219। तो यहां से देखो कि 30 यूनिट बनाने पे आपको कितना टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट 50 यूनिट नहीं बता सकते, क्योंकि 30 के बाद 30 से 50 तक टाइम कांस्टेंट हो चुका है। ओके तो आप लर्निंग इफेक्ट को 50 यूनिट तक नहीं, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इधर। तो आपने ये देखना है कहां तक लर्निंग इफेक्ट जा रहा है, तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स वो वाले आएंगे। तो देखो अगर 30 यूनिट्स मैंने बनाने हों तो मेरे पास टोटल टाइम कितना लगेगा, आपके पास वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू जी 3 पॉइंट कितने यूनिट्स बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 30। तो 30 यूनिट्स, क्योंकि ये तो एवरेज टाइम पर यूनिट है ना, तो 30 यूनिट्स बनाने पे कितना टाइम लगेगा, 100.38। किसी को कोई डाउट, सब क्लियर। अच्छा अब सुनो, अब हर एडिशनल यूनिट बनाने पे उतना ही टाइम लगेगा। नहीं समझ आए, ये 100.38 की समझ नहीं आई, ये तो है ना एवरेज टाइम पर यूनिट, एक यूनिट बनाने पे 3.35 आवर्स लगेंगे। तो मैंने टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, 30, एक्स की वैल्यू मैंने 30 ली थी ना, तो 30 यूनिट्स बनाने पे कितना टाइम लग जाएगा, दिस वन। ओके ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हम लोगों ने टेबल से फाइंड किया था, कि फार्मूले से जैसे ये किया ना, तो फार्मूले से आंसर आ रहा था 34.3, लेकिन ये क्या था एवरेज टाइम पर यूनिट। तो 8 यूनिट्स बनाने पे कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा इसको मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो तो ये टाइम लगेगा। ओके अच्छा जब हम यहां पे पहुंच गए ना, आपको इन टोटल अगर यहां पे 50 की जगह पे होता ना 30, तो आपके ये क्वेश्चन का सोल्यूशन था, क्या आपको इतना टाइम लगेगा। ओके अच्छा सपोज यहां पर 50 ही होता, लेकिन यहां पर 30 ना होता, यहां पर 50 होता, तब मैं एक्स को जाके 50 पुट कर देता, तो वो मेरा क्वेश्चन का सोल्यूशन बन जाता। पता मैं इस तरह से करता इसको, फर्स्ट वैल्यू क्या थी 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 रेज टू पावर -0.3219 इज इक्वल टू 2.83 एंड मल्टीप्लाइड बाय, तो ये वाला आंसर था। अगर वो लर्निंग कर्व को 30 पे स्टॉप ना करता तो फिर मेरे पास ये वाला आंसर था। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई 30 तक तो लर्निंग कर्व चलता रहा, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने से क्या मुराद है, 30th यूनिट बनाने पे जितना टाइम लगा है ना आपको, क्या 30th यूनिट बनाने पर जितना टाइम लगा है ना आपको, 31st यूनिट बनाने पे भी उतना ही लगना है, 32nd यूनिट बनाने पे भी उतना ही लगना है, इवन के 50 तक उसे, और सो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट बनाओगे आपको उतना टाइम लगेगा। अब हमने ये देखना है कि भाई 30th यूनिट बनाने पे कितना टाइम लगा है, तो क्यों ना मैं 29th और 30 टाइम का डिफरेंस देख लूं, 29 यूनिट्स बनाने का टोटल टाइम देख लूं, 30 यूनिट्स बनाने का टोटल टाइम देख लूं, और दोनों का डिफरेंस। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने जाकर 29th नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो वैल्यू देखो मेरे पास क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू, अब अगर सपोज मैं यहां पे पुट कर दूं, फिफ्टी की जगह पर 29 इज इक्वल टू, ये अगर 29 के मुताबिक चलें तो एक यूनिट बनाने पे इतना टाइम है 3.38 मल्टीप्लाइड बाय 29, तो 29 यूनिट्स बनाने पे टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 98.10 कर दो, 98 पॉइंट, देखो
29 यूनिट्स बनाने पे टोटल टाइम ये लगा, 30th यूनिट बनाने पे 100.38 और आपको टाइम लगा, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया तो आपको एडिशनल टाइम कितना लगाना पड़ा इन दोनों का डिफरेंस देख ले, 2 पॉइंट। अब एक यूनिट बनाने पे आपको इतना टाइम, और ये कॉन्स्टेंट हो गया है, तो फर्स्ट 30 यूनिट्स बनाने पर तो 100.38 प्लस एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स बनाने पे सेम रेट अप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया, 45.6। अब आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है तो 50 यूनिट्स बनाने पे टोटल टाइम कितना लग जाएगा आपको, 145. ये टोटल टाइम लगेगा 50 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने के लिए, ये रहा इसका आंसर। क्या आपको ये बात समझ आ गई, किसी को कोई डाउट, ऑल क्लियर? अच्छा अब जरा मुझे बताएं, लेबर टाइम टू प्रोड्यूस 70 यूनिट्स, लेबर टाइम टू प्रोड्यूस 70 यूनिट्स, लर्निंग रेट एल आर इज इक्वल टू 85% एंड फर्स्ट, और ये कंटिन्यू रहेगा टू फर्स्ट 40 यूनिट्स, फर्स्ट यूनिट टाइम मतलब ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 100 वॉट्स। हाँ जी, ये डेटा है और आपने मुझे बताना है 70 यूनिट्स बनाने का आपको टोटल टाइम कितना लगेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करना, ए की वैल्यू आपके पास है पड़ी, एक्स की वैल्यू आपके पास है पड़ी, एक्स की वैल्यू अब आपके पास ना 70 नहीं है, जहां तक लर्निंग इफेक्ट जा रहा है वो एक्स की वैल्यू है, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, इसके लिए हमने कहा था फ्रैक्शन लॉग ऑफ 0.85 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एंड आंसर इज 0.2345, 0.2345। अच्छा कोशिश क्या करें, इस क्वेश्चन में 4 डेसिमल प्लेसेस तक चले जाए, ओके, अदरवाइज आप यहां से सिर्फ कैलकुलेटर पे आंसर को जैसी प्रेस करेंगे तो वो पूरी वैल्यू उठा लेगा, एक्यूरेसी के साथ चलते रहोगे। अच्छा अब आगे फार्मूला अप्लाई कर दो, फार्मूले में आपने क्या जाके लिखना था, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है इसमें ए की वैल्यू विच इज 40 नहीं, ए की वैल्यू है हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 रेज टू पावर आंसर, ओके, वो मैंने इससे पहले वही कैलकुलेशन की हुई थी ऑटोमेटिकली, उसने यहां से उठाए ये 42.1 समथिंग, ये पर यूनिट है, ओके, 42.11 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू, तो टोटल टाइम आ जाएगा ये देखिए मल्टीप्लाइड बाय 40 1684.35, ये बात क्लियर। अब आपने सेम कैलकुलेशन इससे एक यूनिट पहले की करनी है ताकि आपको ये इंक्रीमेंटल यूनिट का पता चल सके, ओके, अब क्या करना है, आप लोगों ने जहां पे ये 40 था ना वहां पे जाके पुट करोगे, लेकिन अब यहां पे आंसर ना लिख देना, अब ये गलत हो जाएगा, ये वैल्यू लिखनी है बी की, अदरवाइज आपने इससे पहले जो आंसर कैलकुलेट किया इसने वो उठा लेना है, ये वैल्यू क्या है कि आप, अच्छा आप चाहो तो भाई यहीं पर जाकर फ्रैक्शन लगाओ और यहां पे लिख दो लॉग ऑफ 0.85 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ
टू, तब भी बिल्कुल सही है ये, इज इक्वल टू 42.36 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 16.52। अच्छा वन सिक्स पॉइंट जीरो टू। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 1684.35 माइनस आंसर 32.33, क्या आपके पास यही आया? मल्टीप्लाइड बाय, अब 40 तक आपने ऐसे ही चलना था ऊपर, लेकिन 40 से ऑनवर्ड 70 तक कितने नंबर ऑफ यूनिट्स? 30 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 30, 969.91। अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो 70 नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए टोटल टाइम आ जाएगा प्लस 1684.35 इज इक्वल टू 2654। हाँ जी, कितने स्टूडेंट का ये वाला आंसर था? 19 रुपए का फर्क है ना, कि और थे ये मोहम्मद इब्राहिम, शाबाश बच्चे, गुड। और इधर सेम, तो फर्क है ना, ओके ठीक है। लेकिन अब पता चल गया कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, और क्वेश्चन अब अगर ऐसा आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये था हमारे पास लर्निंग इफेक्ट थ्योरी। आई होप कि आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट। आप लोगों ने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करनी है, कोशिश कीजिएगा कि सोल्यूशन ना देखें, गलत हो जाए लेकिन खुद से सॉल्व करें। जो कुछ आपको समझ आ रहा है आपने बिल्कुल वैसे सॉल्व करें, बगैर सोल्यूशन देखें। और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों की होम असाइनमेंट है। गलत हो रहा हो, होने देना, कोई फर्क नहीं पड़ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीख लेंगे, लेकिन चीटिंग चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। आज का लेक्चर यहीं तक ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।